उत्तर प्रदेश के झांसी में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां बस में बैठे एक यात्री का सर धड़ से अलग हो गया। यह सनसनीखेज घटना रक्सा थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा पर हुई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बस टोल प्लाजा पर टोल भरने के लिए रुकी थी। बस के चलते ही यात्री का सिर सीमेंट के पिलर से टकराया और कटकर गिर गया। जानकारी के मुताबिक जब बस टोल प्लाजा पर रुकी थी तो यात्री का सर खिड़की के बाहर था। जैसे ही टोल भरने के बाद बस आगे बढ़ी, यात्री का सर सीमेंट के पिलर से टकरा गया और कटकर वहीं गिर गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद बस में बैठे अन्य यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बताया जा रहा है कि इंदौर से भोपाल जा रही एक प्राइवेट बस जैसे ही सेमरी टोल प्लाजा पर पहुंची तो टोल भरने के लिए रुकी। इस दौरान 22 वर्षीय एक यात्री बस की खिड़की के बाहर झांक रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रक्सा थाने की पुलिस ने यात्री के सर और धड़ को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जा रहे थे मुंबई कमाने के लिए सर, तो टोल टैक्स पे मसाला खा रहा था, तो थूकने के लिए खोपड़ी बाहर निकाला सर, उसका खोपड़ी फंस के टूट गया सर। तो जिसकी सूचना आपने किसी को करी थी फिर? कहाँ से जा रहे थे आप लोग? किस बस? उसके माँ बाप से सर सूचना और करा था। वहाँ क्या किस किस चीज़ से जा रहे थे आप? बस से सर। बस से जा रहे थे? हाँ। तो ये घटना कब की है? वही 7 बजे की सर। आप लोग पहले भी मजदूरी करने जाते थे या पहली बार जा रहे थे? नहीं सर, पहले भी गए थे। ये दोबारा चक्कर में जा रहा था और ये भी जा रहा था काम करने के लिए वहाँ पे, ये भी जा रहा था दोबारा सर। तो आप लोग कब आए थे वहाँ से वापस? वापस तो सर इसी लॉकडाउन में आए थे सर। श्रावस्ती से मुंबई एक बस जा रही थी और सेमरी टोल पर जिस वक्त टोल कटा रहे थे तो एक व्यक्ति जिनका नाम सोनू पासी है, जो बाराबंकी के रहने वाले हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने गर्दन बाहर निकाली हुई थी। अचानक बस चल रही जिसकी वजह से उनकी गर्दन गंभीर चोट आने के कारण कट गई और उनकी मौके मृत्यु हो गई है। इस विषय के संबंध में उनके घर को सूचित कर दिया गया है और जो आवश्यक बचानी कार्रवाई है वो की जा रही है। और सर जो बस थी उसमें 85 से 90 यात्री थे और अभी भी वो बस नहीं रुकी है, तो सर उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था है? रात भर से यात्री चल रहे थे। इस विषय में जो जिन लोगों ने अरेंज किया था ये बस, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग अरेंजमेंट करा रहे हैं।